सत श्री अकाल पीबी बत्ती नवांशहर देख रहे हो। पिछले दिनी पंजाब दे गृह मंत्री अमित शाह जी पंजाब आए सन। उन्होंने विशाल इकट्ठ नूं संबोधित करदिआं कुछ गल्लां कहीआं सन, अज तुहानूं उस बारे जानकारी दिंदे आं। उन्होंने कहा है कि जेकर आजादी वेले भाजपा हुंदी तां करतारपुर कोरीडोर भारत च हुंदा। आज मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी देश आजाद हुआ तब होती तो करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा पाकिस्तान में न होता, भारत में होता। भारत में मोदी जी ने ठीक ही कहा, 71 में लड़ाई हारे थे, 1,00,000 सैनिक अपने यहां गिरफ्तारी में था, अरे उस वक्त भी करतारपुर साहिब मांग लेते तो देना पड़ता, मगर याद नहीं आया। इसके बाद सालों से दुनिया भर के सिख हिंदू मांग करते रहे एक कॉरिडोर बन जाए, हम नानक देव महाराज को श्रद्धांजलि दे, उनका स्मरण कर पाए। नहीं बनाया। किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया। नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ते आप पार्टी का अनोखा ही रिश्ता है। एक और है, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो देश भर में तो गले मिलकर चलते हैं। जैसे ही पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है जानी दुश्मन बन जाते हैं। मैं आज आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पूछना आया हूं, भैया दिल्ली में आपका समाधान है? आपका दिल्ली में समाधान है, हरियाणा में समाधान है, गुजरात में समाधान है, तो पंजाब में क्यों नूरा कुश्ती कर रहे हो? काहे क्यों कर रहे हो? नाल दी नाल उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब विच आप पार्टी दी सरकार वादियां तो उल्ट चल रही है। ये जो आप पार्टी की सरकार है ये वादा खिलाफी की सरकार है। मैं बताता हूं, हर माता बहन को 1,000 रुपया देने वाले थे, किसी के घर में आया है भाई? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? 1 महीने में नशा मुक्त करने वाले थे, किया है क्या? पंजाब विधानसभा में बजट के प्रोविजन कर 16 मेडिकल कॉलेज खोलने वाले थे, एक भी नहीं खुला। और भाइयों बहनों, ऐसे ढेर सारे वादे हैं। मैं भगवंत सिंह मान को कहना चाहता हूं, मान साहब ये तो पंजाब का सूबा है, मस्करी करना एक बात है, पंजाब को सुधारना दूसरी बात है, ये आपके बूते का काम। भ्रिष्टाचार ते केजरीवाल बारे देखो देश के गृह मंत्री की बोले। आयो बेनो, पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बना कर रखा है। एटीएम उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंजाब को घाव देने का काम किया है। आजादी के वक्त विभाजन का घाव दिया, फिर बंटवारे का घाव दिया, अस्थिरता का घाव दिया, उग्रवाद पनपने दिया, और आज भी अलगाववाद आगे बढ़ा रहे हो। दिल्ली में सिखों का नरसंहार कराने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 3.0 विच पंजाब चो नशे नु जड़ तो खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, पंजाब को नशे की आग में डालने का काम भी एक कांग्रेस और आप पार्टी कर रही है। मैं आज ये कोई चुनावी बात नहीं, बड़े मन से
पंजाब की जनता को कहने आया हूं, मेरे मन में आपसे ज्यादा पीड़ा है पंजाब के युवाओं को नशे की हालत में देखकर, आपसे ज्यादा पीड़ा मेरे मन में मेरे हृदय में होती है। हम इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। चुनाव को बाजू पर रखिए, मैं लुधियाना में कहकर जाता हूं पंजाब की जनता को, अगले 5 साल में मोदी 3 में पंजाब से नशे की गर्त को मूल समेत उखाड़कर हम समाप्त कर देंगे। और जाखड़ साहब, आपने कहा है, आपने मेरे मन की बात छीन ली। जाखड़ साहब, एनसीबी की ऑफिस देश में एक है, पंजाब में 17/7 एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑफिस हमने तैयार कर रखा है। मोदी 3 में मैं स्वयं इसको आगे बढ़ाने वाला हूं। पंजाब को, इस सरहदी राज्य को नशे की गर्त में हम नहीं डूबने देंगे। ते अखीर विच गृह मंत्री ने पंजाब च अतवादी गल करन वालेयां नूं चेतावनी दिंदियां देखो की कहा। आतंकवाद के आग में नहीं जलने देंगे। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर कश्मीर से आतंकवाद समाप्त किया है, और जो जो लोग पंजाब में आतंकवाद की बात करते हैं वो कान खोलकर सुन लो। अपना भला इच्छते हो तो आतंकवाद से दूर रहना, वरना हम किसी को नहीं बख्शेंगे। ये मेरा पंजाब की जनता को वादा है।